गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जी एस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी विच इज पार्ट ऑफ अकेडमी। तो आज मंथ आखिरी दिन और फिर कल से एक नए दिन की शुरुआत, और आज इस आखिरी दिन में, मंथ के आखिरी दिन में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हम लोग फेमस पर्सनैलिटी, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। याद होगा कि अगर आप सिलेबस देखोगे ना, चाहे वो एनटीपीसी का सिलेबस रहा है या फिर आप ग्रुप डी के सिलेबस रहा है, दोनों सिलेबस में स्टैटिक जीके भरा पड़ा है। क्योंकि जो बच्चे एनटीपीसी देकर आए हैं सीबीटी 1, देखना लगातार सवाल पूछे गए हैं स्टैटिक जीके से, इसीलिए इस श्रृंखला को स्टैटिक जीके बिल्कुल चैप्टर वाइज कर दिया है। कोई मिसलेनियस सवाल नहीं, चैप्टर वाइज है ना, बिल्कुल चैप्टर वाइज। तो समझना कि स्टैटिक जीके में जो चैप्टर वाइज पढ़ाया मैंने कल यानी पिछले वीक, और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल नए तरीके से, है ना। नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो आज फेमस पर्सनैलिटीज, नए नए सवाल जबरदस्त तरीके से देखेंगे हम लोग। क्लास शुरू करने के पहले टॉप एजुकेटर, टॉप बैचेज, अगर आप SSC का सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। कहाँ पे? अनअकैडमी पे 12:30 बजे। ना तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि 10 जून से वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच देखने को मिलेगा, और रेलवे में 7 जून से इंडियन ज्योग्राफी। तो जो भी आपका एम है आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। संकल्प बैच शुरू हुआ था 26 मई को, एक सफलता बैच शुरू हुआ है 26 मई को भाई, और साथ ही साथ आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर CHSL पेपर 30+, ये बिल्कुल अपलोड हो जाएगी, टेस्ट दोगे और विथ सॉल्यूशन, है ना। तो सर कॉम्बेट कब होता है? 12:30 बजे कॉम्बेट लगाइए और अपने रैंक को यहाँ लाइए और बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन लीजिए 1-2-3 12:30 बजे। कोड डालना बाबा 10 और अपने आप को इनरोल कर लेना, है ना। नमस्ते शर्मा जी, क्या हाल है? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लेकर ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। ये हमारे क्लास के शेड्यूल, जहाँ 1:30 PM पे मिले, फिर मिलेंगे हम लोग कितने बजे? शाम को 5 बजे, ठीक है। सवाल नंबर 1 कहता, मिस विजया मेहता हैज अर्नड डिस्टिंक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। सुश्री विजया मेहता ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्टता अर्जित की है, हासिल की है? तो ये लीक हो गया सवाल, आपको दिख रहा होगा। आपको पता है कि सुश्री विजया मेहता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में? सिनेमा हॉल। ये डायरेक्टर थी बच्चे, ये डायरेक्टर थी, ठीक है, अभी भी है, 86 ईयर से इनके एज है, और ये मराठी फिल्म की डायरेक्टर हैं। तो कौन? विजया मेहता। सिनेमा हॉल इसीलिए लिखा हुआ, थिएटर, डायरेक्टर है ये, किसके? मराठी के। अभी भी इनकी उम्र कितनी? 86 वर्ष है, है ना। आगे देखो नेक्स्ट सवाल, विच इंडियन डॉक्टर हैज बिन सिलेक्टेड फॉर द 2017 ऑप्थोमोलॉजी हॉल ऑफ फेम। 2017 ऑप्थोमोलॉजी हॉल ऑफ फेम के लिए किस भारतीय डॉक्टर को चुना गया है? CP ठाकुर, गुल्लापल्ली एन राव, लक्ष्मण स्वामी, मुदलियारी या फिर अरूप चटर्जी। सवाल नंबर 2 जल्दी, आज बिल्कुल आपको कई सारे सवाल नए मिलेंगे, और जब नया सवाल मिलेगा, इंपॉर्टेंट सवाल मिलेगा, तो जरा लाइक ठोक देना बिल्कुल। तो 2017 में ऑप्थोल्मोलॉजी हॉल ऑफ फेम की बात करें तो गुल्लापल्ली एन राव, 2017 में ऑप्थोल्मोलॉजी हॉल ऑफ फेम के लिए किस भारतीय डॉक्टर को चुना गया है? गुल्लापल्ली एन राव को चुना गया है। सवाल नंबर 3 की बात करें, किसे कीपर के नाम से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कीपर? नेपोलियन बोनापार्ट, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जनरल इरविन रोमेल या यंगर पीट। सवाल नंबर 3 जल्दी, श्रेया, भक्त रंजन, दीपू, पासवान साहब, अमरजीत, नीलू, सुगोरखपुरी भैया, मनीष, रानी, मंजू, वर्षा, संजीत, पार्थ। तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा को कीपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? कीपर कहा जाता है, कीपर के नाम से फील्ड मार्शल KM करियप्पा को जाना जाता है। किसे? KM करियप्पा को, है ना। सवाल नंबर 4,
निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसे पाकिस्तान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान मिला है? मुरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। सवाल नंबर 4, जल्दी। अजय एक बार रिफ्रेश कर लो बच्चे। तो निम्नलिखित प्रधानमंत्री की बात करें माय डियर, तो मुरारजी देसाई हैं एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला। अब जरा ईयर बताना कि कब मिला है। ईयर जरा बताना कब मिला है। ईयर बताना कब मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में भारत रत्न, मदन मोहन मालवीय के समय। साथ में इंदिरा गांधी पहली महिला भारत रत्न, राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न, है ना। तो ईयर जरा बताना, मुरारजी देसाई को कब मिला निशाने पाकिस्तान, इसके बाद भारत रत्न मिला है, जल्दी। कितने लोगों को पता है जरा देखें। राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक प्रख्यात व्यक्ति थे? डांस, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री या पेंटिंग। सवाल नंबर 5, 1990, बिल्कुल सही। 1991 में इन्हें भारत रत्न मिलता है, बिल्कुल सही। 1990 और फिर भारत रत्न मिलेगा, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा की बात करें बच्चे, ये पेंटिंग से हैं, और इनका संबंध किस राज्य से है? केरल से। इनका संबंध केरल से है, याद रखना। तो राजा रवि वर्मा की बात करें पेंटिंग से है, इनका संबंध केरल से, केरल राज्य से है, ठीक है। कौन प्रख्यात चित्रकार था? शारदा उकीली, वी शांताराम, उदय शंकर, यूसुफ मेहरली। सवाल नंबर 6, जल्दी। तो माय डियर, मुरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 8 बार रेगुलर, 2 बार अंतरिम। तो कौन प्रख्यात चित्रकार था? शारदा उकीली। तो यूसुफ मेहरली क्या है ये देखते हैं। ये तो डायरेक्टर था वी शांताराम, आपको पता ही है। आइए देखते हैं, समझते हैं। यूसुफ मेहर अली एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 1942 में बंबई के मेयर चुने जाते हैं, उसी समय वो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जबकि बंबई के मेयर चुने गए और वे यरवदा सेंट्रल जेल में कैद थे, और नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे यूथ लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हितेंद्र देसाई किस देश, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट माने जाते थे? साहित्य, राजनीति, पत्रकारिता। राजनीति। तो हितेंद्र देसाई किस क्षेत्र में उत्कृष्ट माने जाते हैं बच्चे? राजनीति, पॉलिटिक्स। हितेंद्र देसाई के बारे में इसलिए तो बता दिया भैया, हितेंद्र देसाई की बात करें। अब ये देखो कि हितेंद्र देसाई गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। 1941-42 में उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश के लिए भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो जो पेशकश किसके द्वारा पेश किया गया? तो हितेंद्र देसाई के द्वारा। 1 वर्ष के लिए जेल में भेजे गए और वह पुनर्गठित बॉम्बे राज्य में शिक्षा मंत्री थे। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल, है ना। दुनिया भर में नौकायन करने वाली पहली एशिया महिला कौन बनी है? यानी पूरे विश्व में नाव के जरिए घूमने वाली, गोल्डा मीर, क्लियोपेट्रो, उज्ज्वला पाटिल, श्रीमाव भंडार नायके। सवाल नंबर 8, जल्दी। तो बच्चे, दुनिया भर में नौकायन की बात करें, पहली एशियाई महिला उज्ज्वला पाटिल है। अब जरा बताना, श्रीमाव भंडार नायके ये प्रधानमंत्री है क्या? किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली फीमेल पीएम है क्या? अगर हाँ तो किस राज्य की, जरा बताना। ओहो, जूही जी, श्रीमाव भंडार नायके, क्या बात है, प्रधानमंत्री को आपने बना दिया, वो भी बेचारी खुश हो रही होंगी। तो बच्चे, श्रीमाव भंडार नायके कौन है, जरा बताना कमेंट बॉक्स में। आर के लक्ष्मण ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है किस क्षेत्र में? पत्रकार, लेखक, कार्टूनिस्ट, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 9, श्रीलंका से। अच्छा,
बच्चे आरके लक्ष्मण कार्टूनिस्ट हैं। आरके लक्ष्मण क्या कार्टूनिस्ट थे, अरे न्यूज़पेपर में क्या आता था, कार्टूनिस्ट थे, है ना। आगे देखिए, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है, मजा आएगा देखो, अभी आगे देखते जाना कैसे कैसे सवाल मिलेंगे। हु इज नोन एज इंडियन बिस्मार्क, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जानते हैं, बिल्कुल आसान सवाल, भारतीय बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों, क्योंकि इन्होंने देशी रियासत को एक करने में भूमिका निभाई, क्योंकि बिस्मार्क कहां का था, जर्मनी का चांसलर, इसे लौह पुरुष आयरन मैन भी बोलते हैं, इन्हें सरदार भी बोलते हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है बच्चे, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है, अजिम प्रेमजी शिवनादरी शिवनादर, अंबानी या हुई कायान, जल्दी। तो माय डियर, फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी और कौन हो सकता है, मुकेश अंबानी। कौन है माय डियर, मुकेश अंबानी। अब देखना कई सारे सवाल बनेंगे, देखते जाना। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे अमीर लोग रहते हैं, लेकिन यहां के लोग बहुत गरीब। क्यों, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास पैसा सिमट गया है, अमीर और अमीर होते चला गया, गरीब और गरीब होते चला गया। तो प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन जो है दुनिया के अरबपतियों के 35वीं लिस्ट जारी किया, ये जरूर देखना, 35वीं लिस्ट जारी किया। इसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फिर से एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब अपने नाम किया। पिछले एक साल से इसमें कौन थे, तो जैकमा, कौन थे, जैकमा चीन के कारोबारी थे। अमेरिका में सबसे ज्यादा 724 लोग रिचेस्ट हैं अरबपति, चीन में 698, भारत भी कम नहीं, 140 अरबपति है भैया। इसके बाद जर्मनी है, फिर रूस है, है ना, ये पूरा आपके सामने है। मिसेस विजयालक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित क्या थी, एक राज्य के मुख्यमंत्री, एक राज्य मंत्री, राज्यसभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। सवाल नंबर 12, मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर हैं, और गौतम अडानी, अरे मैडम अंबानी और अडानी कुछ, गौतम अडानी बच्चे। तो बच्चे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रही हैं ये, और पहली कैबिनेट मंत्री महिला में, नेहरू के कैबिनेट में मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री नहीं थी, कैबिनेट मंत्री थी, याद रखना, अगर कैबिनेट मंत्री होता तो आप बनाते, जो हेल्थ मिनिस्ट्री याद रखना, हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है भाई। बंकिम चंद चटर्जी का पेन नाम बताइए, मजेदार सवाल, बंकिम चंद चटर्जी का कलम नाम क्या था, जीसु दास गुप्ता, श्रीपंत, कमलाकांत, वानु सिंह। सवाल नंबर 13, मजा ना आए तो कहना, बिल्कुल पैसा वसूल है ना। तो कौन है बच्चे, बंकिम चंद चटर्जी का कलम नाम कमलाकांत, क्या है, कमलाकांत, यानी कमलाकांत की बात करें माय डियर, बंकिम चंद चटर्जी का कलम नाम था, जो 1894 तक जीवित रहे, वह एक बंगाली लेखक कवि थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रगान वंदे मातरम लिखा था, है ना, याद रखना। उस नासा महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिसने 24 अप्रैल 2017 को एक अमरीकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में बिताए गए संचयी समय का रिकॉर्ड तोड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा दिनों तक रही है, जल्दी, गुड आफ्टरनून। जेफ विलियम्स, सुनीता विलियम्स, सैली राइड, पैगी विटसन। सवाल नंबर 14, जल्दी। तो पैगी विटसन बच्चे, जबकि सुनीता विलियम्स दूसरी भारतीय, मूल भारतीय, पहली कल्पना चावला,
जो कोलंबिया यान से जो शहीद मानी जाती है, शहीद हो गई है ना। पंडित विश्व मोहन भट्ट जिन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? सरोद, तबला, वायलिन, मोहन वीणा। सवाल नंबर 15। कितने ज्यादा क्वेश्चन नए दिखे बताते जाना कमेंट बॉक्स में। तो ये मोहन वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म 27 जुलाई 1950 को राजस्थान के जयपुर में हुआ। वे पंडित रवि शंकर के शिष्य थे, वे मोहन वीणा के जनक हैं। देख रहे हो मोहन वीणा, ये मोहन वीणा है ना, ठीक है भाई, मोहन वीणा याद रखना। ए सरोदवाड़ी, सरोद वाला बच्चा कम हो जाओ। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय। तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय बच्चे कौन? मिहिर सेन, मत लगाना आरती सहा, क्योंकि सबसे पहले मिहिर सेन, इसके बाद आरती सहा है। सबसे पहले मिहिर सेन है, फिर आरती सहा है, ठीक है। अरे बातें समझ में, आरती सहा वाले ब्रेक लगा दो बिल्कुल। अब ये देखो, मिहिर सेन ने यह कारनामा 27 सितंबर 1958 को किया था, और आरती सहा ने मिहिर सेन से प्रेरित होकर 29 सितंबर 1959 को की, और एशिया की पहली महिला तैराक बन गई है। तो पहले मिहिर सेन, फिर आरती सहा, दोनों याद रखना, ठीक है। अब ये देखो, सागर का सिकंदर मिहिर सेन क्या क्या किया पार? पाक स्टेट, पाक जल संधि भी पार किया है। अब सवाल बनेगा, देखो पनामा नहर को पार किया है, जिब्राल्टर संधि पार किया है, देख रहे हो 14 घंटे 45 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय, पहले सियाही बने हैं। 5 महाद्वीप तैरने वाले पहले पुरुष तैराक, देख लो ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। अरे विक्की कुमार, तो क्रिस्टीना कोच ऑप्शन में था क्या? क्रिस्टीना कोच ऑप्शन में था? नहीं था ना। तो बेटा जब क्रिस्टीना कोच ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? पैगी विटसन के साथ ही तो जाएंगे, ये तो समझा करो। शोभना नारायण, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं? समाज सेवा, गायन, भारतीय लेखा परीक्षा, या इनमें से कोई नहीं? सवाल नंबर 17, जल्दी। हाँ, भूला चौधरी पहली महिला है, जल्दी। देखो एक बच्चा आया है मदन कुमार खान सर के बारे में। अच्छा ये बताओ, आप लोग पढ़ने के लिए आते हो तो मैं आपसे नाम पूछता हूँ क्या? क्या आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्या हो, पूछता हूँ क्या? भाई ना टीचर का कोई जात होता है, ना छात्र का, स्टूडेंट का कोई जात होता है, तो क्या बोलना बताओ? जिन्होंने पूरे भारत के छात्रों पर, पूरे भारत के छात्रों के दिलों पर राज किया है, क्या बोलना सो बताओ उनके बारे में? आप भी बेवकूफ हो, और वो तो बेवकूफ है ही जो पूछ रहे हैं, सबसे बड़े बेवकूफ आप हो। क्या सपोर्ट करना भाई, हम लोग तो जितने सारे टीचर हैं, कम टीचर हैं, वो सब तो सपोर्ट में है ही, सबसे बड़े बेवकूफ तो आप हो जो सवाल पूछते हैं। सर बताइए, शोभना नारायण की बात करें, भारतीय लेखा परीक्षा, इंडियन ऑडिट है तो है ही, साथ ही साथ ये किस किस पोस्ट में, आइए देखते हैं। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त भारतीय कथक नृत्यांगना है, यानी डांसर हैं, कथक डांसर, और साथ ही साथ भारतीय लेखा परीक्षक यानी इंडियन ऑडिटर में काम करती थी। पद्मश्री से सम्मानित इनके गुरु बिरजू महाराज हैं, देख सकते हो आप, है ना बच्चे? आ रही बातें समझ में? ठीक है भाई, क्लियर है। जेमिनी रॉय एक प्रसिद्ध डांसर हैं, मैजिशियन हैं, कार्टूनिस्ट हैं, या पेंटर हैं, क्या होगा? सवाल नंबर 18, जल्दी।
आशुतोष 100 रुपया तो आपने बहुत बोल दिया, मुझे लगता है 5-10 रुपया लेके आते हैं। जैमनी राय की बात करें बच्चे, ये पेंटर हैं। क्या है? पेंटर। क्या है? पेंटर है ना, बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? निक नेम ऑफ जयप्रकाश नारायण। लोकपाल, लोकनायक, जननायक, लोकसत्ता, सवाल नंबर 19। तो आपको याद होगा लोकनायक किसे बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोलते हैं, याद रखना, ठीक है? कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोलते हैं, गलती मत करना। निम्नलिखित में से कौन चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माता हैं? ले कार्बूजियर, पुपुल जयकर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या नेकचंद। तो बच्चे चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की बात करें तो नेकचंद, और चंडीगढ़ का जो आर्किटेक्चर है वो ले कार्बूजियर है। दोनों दो सवाल है, मिस मत करना दोनों में, ठीक है? अशोक पंडित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? स्विमिंग, कबड्डी, रेसलिंग या शूटिंग, सवाल नंबर 21। तो बच्चे शूटिंग, अशोक पंडित किस क्षेत्र के लिए? शूटिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, शूटिंग के लिए। कर्नाटक संगीत का पिता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक? मुथुस्वामी दीक्षितार, स्वामी थिरुनाली, त्यागराज या पुरंदर दास, सवाल नंबर 22। जल्दी, तो माय डियर कर्नाटक संगीत का पिता त्यागराज, पुरंदर दास। अभी आप देखोगे, सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। हाँ बेटा, तो जरा बताना, कोई ट्रेनिंग सेंटर अगर खुला होगा तो मैं ट्रेनिंग ले लूंगा, या आप आओगे पढ़ाने के लिए? अगर आओगे तो बताना मुझे, है ना। कर्नाटक शास्त्रीय शैली में रागों का गायन अधिक तेज और हिंदुस्तानी शैली की तुलना में कम समय का होता है? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को त्रिमूर्ति कहा जाता था कर्नाटक संगीत में, याद रखना। और पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पिता कहते हैं। किसे? कर्नाटक शैली का जनक कहते हैं, याद रखना। किसे कहेंगे? पिता कहते हैं। कर्नाटक शैली के विषयों में पूजा अर्चना, मंदिरों का वर्णन इत्यादि की चर्चा की गई है ना। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी है? ऋतु कुमारी, शुभांगी स्वरूप, गरिमा शर्मा, राखी कुमारी, सवाल नंबर 23। अमित सिरियाजी, अब बताओ हमारे हाथ में 5 उंगली बराबर हैं, बताओ, नहीं है ना? तो ऐसे ही बच्चे हैं, क्या करोगे। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट शुभांगी स्वरूप, याद करना। जितने स्टैटिक जीके बताते जा रहे हैं बिल्कुल भूलना मत, ठीक है? बिल्कुल वन लाइनर करके नोट्स बना लेना अपना, वन लाइनर करके नोट्स जरूर बना लेना, भूलना मत वन लाइनर करके, ठीक है? अब बताइए मजेदार सवाल, पैसा वसूल सवाल। वह क्रिकेट स्टेडियम जिनका नाम भारत के हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, मोइनुल हक स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, सवाल नंबर 24। बताइए क्या होगा। और अगर मजा आ जाए तो लाइक ठोक देना जरूर। वह क्रिकेट स्टेडियम जिनका नाम भारत के हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जल्दी। अभी तक किसी का जवाब नहीं दिखा। चेतना का जवाब आया रूप सिंह स्टेडियम, चलिए और कोई। देखो बच्चे क्या होगा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। अब समझना, भारत में दो ऐसे स्टेडियम हैं जिनका नाम हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। दो ऐसे स्टेडियम हैं जो हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है।
अरुण जेटली स्टेडियम में पॉलिटिशियन थे होलकर, तो इंदिरा इंदौर में जो महारानी वहां की, मोइनुल हक स्टेडियम ये पटना। अब देखिए ऑपरेशन कैसे करते हैं समझते हैं, आइए। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्रिकेट स्टेडियम है। अब तक 12 वनडे मैच खेले गए हैं। पहला मैच 1988 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। यह स्टेडियम 1978 में बना और भारत के लिए बहुत बड़ा गौरवान्वित है। आपको याद होगा सचिन ने यहीं पर वनडे इतिहास में पहला दोहराशतक लगाया था। यह मूल रूप से एक हॉकी स्टेडियम था माय डियर, जिसका नाम महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर रखा गया है। 1932 और 1936 में ओलंपिक खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इसीलिए इनके सम्मान में नाम रखा गया। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है और इसलिए ग्वालियर में इस स्टेडियम का नाम रखा गया। और मजेदार देखो कि हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे, बहुत कम लोगों को पता होगा ये, बहुत कम लोगों को पता होगा, है ना। आइए देखिए दूसरा क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम, यह भी एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो दो ऐसे स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम हैं जो हॉकी खिलाड़ी के नाम पर हैं। तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जिसे पहले सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से जानते थे, इस स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम की स्थापना 1957 में की गई और यह शहर के केंद्र व्यस्त क्षेत्र हजरतगंज में है। जो केडी सिंह भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के पैरलर माने जाते थे। अब तक एक टेस्ट मैच और एक वनडे मैच खेला गया है। पहला वनडे मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, जबकि पहला टेस्ट भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। मजा आया है? ठीक है बेटा, दो स्टेडियम जिसको केवल क्रिकेट के लिए है तो ऐसे बहुत सारे। अरे बातें समझ में है तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन क्रिकेट के लिए केवल की बात कर मैंने, क्रिकेट के लिए, है ना, याद रखना। अब अगर पटना की बात करें तो जो मोइनुल हक स्टेडियम को पहले राजेंद्र नगर स्टेडियम के नाम से जानते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव मोइनुल हक की मृत्यु के बाद 1970 में इसका नाम बदलकर मोइनुल हक स्टेडियम रख दिया गया है, है ना। आगे देखो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? एमके गांधी, नेहरू, इकबाल या भगत सिंह? जल्दी इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने, है ना। अब जो हसरत मोहानी कह रहे हो ना, वह है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। तो उल जुलूल ना मत बोला करो 10 रुपये वाले भाषा, ठीक है। भगत सिंह ने इसे फेमस किया था, भगत सिंह ने इसे फेमस किया था, याद रखना। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नारायण गुरु, टैगोर, एस राधाकृष्णन, रामकृष्ण परमहंस? जल्दी बता बच्चे। छियासी 20 15, अभी 2:10 पे टेस्ट होगा आपका ज्योग्राफी का अनअकैडमी पे। 86 20 15 याद रखना, 86 20 15 ये कोड है, ठीक है। तो टैगोर, गुरुदेव किसे कहेंगे? टैगोर को। 86 20 15 याद रखना, ठीक है। एम सामलाल ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है? समाज सेवा, ट्रेड यूनियनवाद, पत्रकारिता, राजनीति? सवाल नंबर 27। तो एम सामलाल की बात करें, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, है ना। अबे देखो याद रखना कि सामलाल एक भारतीय साहित्यिक आलोचक और पत्रकार थे, जिन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के रूप में काम किया है। किसमें? द टाइम्स ऑफ इंडिया में, और हिंदुस्तान टाइम्स, बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक कॉलम लिखते रहे, है ना, याद रखना।
निम्नलिखित में से कौन क्यूबा के क्रांतिकारी और राजनीतिक नेता हैं? एडवर्ड केव, फिदेल कास्त्रो, विलियम कैक्सटन, बारबरा काटलैंड। सवाल नंबर 28, जल्दी। तो कौन क्यूबा के क्रांतिकारी और राजनीतिक नेता बच्चे? फिदेल कास्त्रो, है ना, फिदेल कास्त्रो। संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डोनाल्ड ट्रंप। बताइए, माही परजेंट्स ना पूछेगा इसका मतलब बेटा, खाली जान लो ना, समझ लो, काहे परेशान होते हो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बराक, और ये बिडेन 46वें, बिडेन 46वें, है ना। नासा के अंतरिक्ष यान का नियंत्रण संभालने वाली पहली महिला? विल्की कॉलिंस, एलिन कॉलिंस, किम क्लर्जर्स या कोलेट। किम, वाह, बराक ओबामा। हे भाई साहब, क्या ही कहें, बराक ओबामा, जो बिडेन, देख रहे हो ये हाल है। हाँ बिल्कुल, जो बिडेन लगा दो, बिल्कुल बिल्कुल लगा दो। ट्रंप चचा कहाँ जाए, ट्रंप चचा क्या बेचेंगे, मकई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मकई होता है यूएसए में, बहुत ज़्यादा मकई होता है यूएसए में, ट्रंप चचा कहाँ जाएंगे। तो एलिन कॉलिंस नासा के अंतरिक्ष यान का नियंत्रण संभालने वाली पहली महिला एलिन कॉलिंस है, है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करेंगे मजा आएगा सेशन में। फिर से मैं बता दूं, अभी अनअकैडमी पे बच्चा लर्निंग ऐप पे टेस्ट होगा 2:10 पे। कोड में फिर से बता दूं, कोड क्या है, तो 86-20-15, 86-20-15। अभी 2:06 हुए हैं, 3-4 है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 86-20-15, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे से प्लस पे पढ़ना चाहते हो, जहाँ पर एसएससी के कोर्सेज चल रहे हैं या फिर रेलवे की, जो आपका गेम है, आप ज्वाइन करिए, साथ साथ टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे, ठीक है। 70+ एजुकेटर देख रहे हो आप केवल एसएससी कैटेगरी में। इसके अलावा एक बैच शुरू हुआ 26 तारीख को, इसमें ज्वाइन कर सकते हो, या सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको सीएचएसएल के टेस्ट मिलते हैं 30+, जरूर जुड़िएगा, ठीक है। हाँ, 86-20-15 ये कोड बच्चे। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 20, जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए, अब कौन, प्रत्येक संडे को कॉम्बैट जरूर दें दोपहर 12 बजे, ताकि आप अपने रैंक को सुधारें और बिल्कुल 1-2-3 आए। मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल 1-2-3 आइए और पार्टिसिपेट करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोड यूज करना रेफरल कोड बाबाटेन और ज्वाइन करना भाई, है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड बाबाटेन लगाकर ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। 2 साल की फी 7800 है, जैसे आप यूज करते हो बाबाटेन ये 10% कम हो जाता है, तो फायदा है ना। ये हमारे क्लास के शेड्यूल, मिलेंगे शाम को 5 बजे यहीं पे वाईफाई स्टडी पे। तो क्या है, 86-20-15 ये कोड है, आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है भाई।